ये देहांत के बाद रानो चिड़िया ने अपनी बेटियों को बड़ी मुश्किलों से पाला था। अब दोनों बेटियां स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज जाने लगी थीं। ये लो राखी, अपना टिफिन ले जाओ। माँ, आप भी ना एक नंबर के गवार हैं। इतने बड़े कॉलेज में मैं आपका ये सड़ासा डब्बा लेकर जाऊंगी, सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट होगी। राखी बेटी, तेरा कॉलेज 3 बजे बंद होता है, तब तक तो कुछ नहीं खाएगी, तो रास्ते में चक्कर आने लगेंगे। हाँ, ये बात आपने सही कही, मुझे 200 रुपए दे दो, मैं कैंटीन से कुछ गरम गरम खा लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना पर्स देखती है, उसमें तो सिर्फ 20 रुपए थे। बेटी, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप घर का खाना ले जाएं, भिंडी की सब्जी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रहने दो माँ, मैं भूखी ही रह लूंगी, लेकिन ये डब्बा लेकर नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। ऐसे गुस्से में बोलते हुए रानो की बड़ी बेटी कॉलेज चली जाती है। गुड़िया, तुझे भी कैंटीन का खाना खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। नहीं मम्मा, मुझे नहीं मांगने आपसे पैसे, मेरी सहेलियों की मम्मा बहुत अमीर है, वो उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे देकर कॉलेज भेजती हैं, तो मैं उन्हीं के साथ खा लेती हूँ। ऐसे कहकर रानो की छोटी बेटी गुड़िया भी कॉलेज चली जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत दुखी थी। हे ऊपर वाले, मैंने कितने दुख दर्दों से इन्हें पाला पोसा, और ये है कि अपने शौक पूरे करने लगी है, अपनी गरीब माँ के बारे में कुछ नहीं सोचती, मैं क्या करूं? फिर मम्मा चिड़िया भी अपने काम पर चली जाती है। वो अमीर पक्षियों के घर में झाड़ू पोछा करती, उसकी मालकिन गौरी कव्वी थी। रानो चिड़िया, अब तो तेरी दोनों बेटियां सियानी हो गई होंगी। हाँ मैम साहब, दोनों कॉलेज जाती हैं और बहुत जल्द उनके कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। अरे रे, तू ये किस चक्कर में पड़ गई? ये पढ़ाई लिखाई रहने दे और शरीफ घर के पक्षी देकर शादी कर दे। गौरी मैम साहब, मेरी दोनों बच्चियां बहुत शरीफ हैं, वो जी जान लगाकर पढ़ाई करती हैं, मुझे उनकी शादी की कोई चिंता नहीं। मैंने भी दुनिया देखी है, बिना बाप के बेटियां पंख से निकल जाती हैं, तुझे बाद में कोई दिक्कत न हो इसीलिए समझा रही थी। खैर मुझे क्या, जैसी तेरी मर्जी। सोनू, कितने दिन हो गए हैं, तुम अपने घर में शादी की बात कब करोगे? राखी जी, मेरे पापा काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं शादी की बात कर लूँगा, जरूर कर लूँगा। और अगर पापा ने मना कर दिया तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और तुम बताओ, तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया तो? हाँ, अब माँ से भी क्या पूछना, मैं उनके हिसाब से शादी थोड़े ना करूँगी, मुझे तुम पसंद हो। राखी को पता था सोनू चुड़ा एक अमीर घर का पक्षी है, इसलिए वो तो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती थी। तो दूसरी तरफ गुड़िया ने भी एक अमीर पक्षी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। कुछ समय बीत जाता है, वो दोनों ही अपनी पसंद से शादी कर लेती हैं। अरे आज तो सुबह से शाम हो गई, दोनों अभी तक घर नहीं लौटी, मैं किससे पता करूं वो दोनों कहां रुक गई, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मम्मा चिड़िया ऐसे दुखी हो रही थी, तभी राखी और गुड़िया दोनों एक साथ घर आती हैं। मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। अरे गुड़िया, आज तुमने भी शादी कर ली है, अपनी बड़ी बहन को बताया भी नहीं। राखी दीदी, आपने भी तो शादी कर ली, आपने क्यों नहीं बताया? माँ, आप तो बिल्कुल चुप खड़ी हो, घर में आने को नहीं बोलोगी, पहली बार आपके दामाद आए हैं। तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया भी नहीं, मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो आपने मुझे ये सिला दिया? माँ, आप तो शादी से मना ही करती, इसलिए क्यों पूछना, और वैसे भी ऐसे लड़के पक्षी आप हमारे लिए कभी नहीं ढूंढ पाती, तो आपको तो खुश होना चाहिए। सही कहा तुम दोनों ने, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, तुम दोनों ने शादी करके बहुत अच्छा किया, मैं होती भी कौन हूँ जो मुझसे पूछा जाता। माँ, हम यहाँ आपके भाषण सुनने नहीं आए, चलो सोनू जी घर चलते हैं, माँ को देख लिया यही बहुत है। हाँ चिंटू जी, अब आप भी घर चलें। ऐसे वो दोनों अपने अपने पतियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया तो हैरान थी, बस दोनों को जाते हुए देखती रह जाती है, वो कुछ दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। अचानक से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। जरूर मेरी बेटियां मुझसे मिलने आई होंगी, आखिर कैसी भी हो है तो मेरी बेटी ही, अपनी माँ को कैसे भूल सकती है। मम्मा चिड़िया तो खुशी से दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ उसकी मालकिन गौरी कव्वी थी। मैम साहब, आप हो, मुझे लगा कोई और होगा।
रानो पहले ये बता, काम पे क्यों नहीं आ रही? इतने दिनों से कहाँ गई थी? वो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं कल से आ जाऊंगी, अब आप चिंता ना करें। अब काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। और ये बता, तेरी दोनों बेटियाँ कहाँ हैं? मैंने सुना है दोनों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। हाँ आपने सही सुना है, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अब देख लिया नतीजा। ऐसे बोलकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ज्यादातर बीमार रहने लगी थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इधर रानो चिड़िया की दोनों बेटियाँ आराम भरी जिंदगी जी रही थी, उन्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आता। जैसे तैसे दोनों खबर सुन के घर आ जाती है। माँ आप बीमार हो तो किसी अच्छे से डॉक्टर से दवा ले लो। राखी बेटी, दवा तो मैं ले रही हूँ लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले चलो, मैं ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी। नहीं माँ, मेरे ससुराल वाले इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। गुड़िया बेटी, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी तो तुम ही मुझे अपने साथ ले चलो, मना ना करना। नहीं माँ, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, आप कहाँ रहोगी? और दवा खाती रहो ना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे मेरी बेटियों, कोई तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अकेली कैसे रहूंगी, वो भी बीमार। ऐसे मम्मा चिड़िया कहती रह जाती है, मगर वो दोनों तो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से वापस लौट जाती हैं। कई साल बीत जाते हैं, राखी को 3 बेटियां हो गई थी। देख सोनू बेटे, अगर ये करमजली घर में रहेगी तो हमारे घर में बेटियों का भंडारा कर देगी। मेरी मान इसे अभी यहाँ से भगा दे और दूसरी शादी कर ले। हाँ माँ तुम सही बोलती हो, 4 बेटियों का बाप, मुझे भी बुरा लगता है सुन के, मैं अभी इनको भगाता हूँ। फिर सोनू चिड़ा राखी चिड़िया को धक्के मार मार के भगा देता है। सोनू आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटियाँ होना कोई बुरी बात नहीं, कृपया मुझे घर से मत निकालो, मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जैसे तुम अपनी माँ को छोड़कर यहाँ आ गए, वैसे ही एक दिन ये भी हमें छोड़कर चली जाएंगी। बेटे होते तो ये नौबत ही ना आती, इसीलिए सबको लो और चली जाओ यहाँ से। अपने पति की ये बात सुनकर राखी को अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपनी बेटियों को लेकर घर जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, घर पे ताला लगा हुआ था, दरवाजे पर गुड़िया भी बैठी थी। छोटी मेरी तो 4 बेटियाँ थी इसीलिए घर से भगा दिया, लेकिन तुझे क्यों घर से निकाला? राखी दीदी, चिंटू बहुत बुरा पक्षी है, मेरे तो भाग फूट गए उससे शादी करके। वो दारू पीकर रोज मुझे मारता है और आज तो हद ही हो गई। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली और मुझे घर से भगा दिया। छोटी ये सब हमारे कर्मों का ही फल है, हम दोनों ने माँ के साथ बहुत बुरा किया इसीलिए ऊपर वाले ने हमें ये सजा दी है। माँ आप कहाँ हो, हमें माफ कर दो। ऐसे वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी, लेकिन अब रोने से क्या होता, क्योंकि मम्मा चिड़िया तो मर चुकी थी, वो कभी वापस नहीं लौट कर आती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने जीते जी अपने माता पिता को कभी दुख ना दें। आपका धन्यवाद। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, वो जंगल से बाहर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ के घर जाती है। रानो बेटी सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, यूँ तो सब ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है मैं कितनी गरीब हो गई हूँ जब से मेरे पति का देहांत हुआ है। बेटी जो होना था वो हो गया, कमजोर मत बन, बहादुर बन और अपने बच्चों को संभाल। इसीलिए तो माँ मैंने एक नया काम सोचा है, आपने शादी से पहले मुझे जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था, तो बस मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। हाँ बेटी ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। माँ ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी संदूक से पैसे निकालकर रानो को दे देती है। रानो चिड़िया पैसे लेकर अपने जंगल लौट जाती है और अपने घर के बिल्कुल पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। मिठू जी, ये ब्यूटी पार्लर लगता है नया ही खुला है, मैं यहीं तैयार हो लेती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर के अंदर चले जाते हैं। आए आए हरियाली बहन, इस छोटे से ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है,
मेरी पत्नी को अच्छा सा तैयार कर दो, हमें अपने दोस्त की सालगिरह में जाना है। रानो चिड़िया हरियाली तोती को तैयार करती है। वो थोड़े समय में ही हरियाली को सुंदर बना देती है। बहुत अच्छा मेकअप किया है तुमने, अपनी फीस बता दो। मेरे बस 200 रुपए हुए। 200 रुपए? ये तो बहुत कम है। पति जी आप 300 रुपए दे दे। मिठू तोता रानो चिड़िया को अपने पर्स से 200 का नोट निकाल के दे देता है और वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के बाहर चिड़िया का ब्यूटी पार्लर अच्छा चलने लगा था, क्योंकि चारों दिशाओं के सभी पक्षी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर पर ही आते। ऐसे रानो चिड़िया का काम दिन पे दिन तरक्की करने लगा था। कालू पति जी, मैंने सुना है जंगल के बाहर एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? कालू तुम भी ना अपनी पत्नी की थोड़ी भी तारीफ नहीं सुनना चाहते। जब मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी तो सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे। मैं काले रंग से गोरी हो जाऊंगी। तो साफ साफ कहो तुम्हें पैसे चाहिए, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? फिर गौरी का पति अपनी दुकान के गल्ले से गौरी को पैसे दे देता है। गौरी तो भागी भागी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर जाती है। आइए मैम साहब, आपको क्या करवाना है? मेरी स्किन बहुत काली पड़ गई है, मुझे एकदम गोरा रंग चाहिए। देखे बहन जी, आपका रंग तो जन्म से ही काला है। मुझे नहीं लगता कोई भी क्रीम आपको गोरा कर पाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैं गोरी हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से तो थोड़ा साफ ही दिखेगा। फिर रानो चिड़िया गौरी के मुँह पर फेशियल करती है। लो आपका फेशियल तो हो गया, अब चेहरे को कपड़े से ढक कर जाना, धूप ना लगने पाए वरना चेहरा लाल हो जाएगा। ठीक है अब मैं घर जाती हूँ, काफी देर हो गई है। अरे रे मेरे पैसे तो देती जाएं। पैसे मैं कल दूंगी जब मेकअप कराने आऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मेरी 1000 रुपए वाली फेशियल किट थी और ये कवि पैसे दिए बिना ही चली गई। पता नहीं कल आएगी भी या नहीं। फिर सुबह हो जाती है। गौरी कवि तो अपना चेहरा जैसे ही आईने में देखती है वो जोर से चिल्लाती है। उसका पति कालू कौवा भागा भागा उसके पास आता है। क्या क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? ये उस रानो चिड़िया की वजह से हुआ है, कल उसी ने मेरे चेहरे पर अपना फेशियल किया था। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रानो के ब्यूटी पार्लर आता है। वो हंगामा करता है, सामान को तोड़ने लगता है। आप ये क्या कर रहे हो, कोई बात है तो आराम से करें, मेरे सामान को ऐसे ना तोड़े फोड़े। चातर चिड़िया तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, देख मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया है। देखे बहन जी, मैंने कोई खराब प्रोडक्ट नहीं लगाया, आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। मेरी पत्नी के साथ तो हुआ है ना, कौन ठीक करेगा? अब तो कोई बड़ा डॉक्टर ही ठीक करेगा, और उसके पैसे दोगी तुम? ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामान को ना छूना। तो निकालो जल्दी से पूरे 20,000 रुपए निकालो। उन कौवों से डरते हुए चिड़िया उसे 20,000 रुपए दे देती है। पैसे देने के बाद भी कालू कौवा उसका महंगा सामान तोड़ ही जाता है। बेचारी चिड़िया का तो बहुत नुकसान हो गया था। गौरी वो रहा बड़ा हॉस्पिटल, वहीं चलते हैं। कालू जी ऐसे तो हो ही जाता है, रिएक्शन ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा, पैसे क्यों खर्च करने, आप सीधा घर चले। अरे माँ आप यहाँ आने से पहले बता तो दिया होता, मैं आपको लेने आ जाती। बेटी रानो मैं तेरा नया काम देखने आई हूँ और ये फेशियल किट तुझे देने आई हूँ, इससे काला चेहरा एकदम निखर जाता है, ये किट तेरे बहुत काम आएगी। फिर मम्मा चिड़िया रानो को फेशियल किट देकर वहाँ से चली जाती है। ये माँ को क्या हुआ जो मेरे पास जरा भी नहीं रुकी, आई और बस चली गई, बच्चों से भी नहीं मिली। ऐसे सोचते हुए रानो अपना सामान जमाती है। कुछ देर बाद एक काली चिड़िया अपना फेशियल करवाने आती है। फिर रानो अपनी माँ की दी हुई किट से उसका फेशियल करती है। काली चिड़िया का चेहरा तो एकदम गोरा हो गया था। चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया, तुमने मेरे काले चेहरे को गोरा कर दिया, मैं सबसे कहूंगी तुम्हारा ब्यूटी पार्लर नंबर 1 है। ऐसे खुश होकर वो रानो को पूरे 500 रुपए देकर जाती है। अब रानो चिड़िया उस फेशियल किट से जिसका भी फेशियल करती उसका चेहरा तो निखर जाता, सब पक्षी चिड़िया को ज्यादा पैसे देते। इधर गौरी का चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही था। कालू जी अब तो मेरे पंख और कमर पे भी हो गए हैं ये दाग, जलन भी बढ़ती जा रही है।
है, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना ही होगा। फिर कालू कौवा गौरी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। उल्लू डॉक्टर गौरी की जांच करता है। उल्लू डॉक्टर जी, क्या हुआ है मुझे, ये कब ठीक होगा? पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, दिन भी लग सकते हैं और महीने भी, इलाज लंबा चलेगा। क्या कहा, लंबा इलाज चलेगा? ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, ये बुरी शक्ल लेके मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती, मुझे ये जल्दी ठीक करना है। गौरी चुप हो जाओ, इलाज पक्का करेंगे तो तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। ऐसे गौरी कवि का तो बहुत बुरा हाल था। एक दिन रानो की माँ उसके ब्यूटी पार्लर आती है। बेटी, काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया तो है ना? हाँ माँ, जब से आपने मुझे ये फेशियल किट दी है मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे माँ, आपको ये कहाँ से मिली, कभी खत्म ही नहीं होती, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ। फेशियल किट? कौन सी फेशियल किट, तू क्या बोल रही है? क्या वो आप नहीं थी? इसका मतलब ये फेशियल किट भी जादुई है जो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं समझ गई, वो आपके रूप में मेरी मदद करने आई थी। चिड़िया मन ही मन उस पक्षी का धन्यवाद करती है और सुखी जीवन जीती है। गौरी को रानो चिड़िया के बारे में सब पता चल जाता है। वो भागी भागी चिड़िया के पास आती है। तुम तो वही बुरे कौवे हो जो मेरा ब्यूटी पार्लर तोड़ फोड़ कर गए थे, और ये क्या आपका चेहरा अभी तक ऐसा ही है? मैंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया लेकिन इसका चेहरा ठीक नहीं हुआ। अब यहाँ क्यों आए हो? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपकी पत्नी को ठीक कर दूँ। हमने सुना है तुम्हारे पास जादुई फेशियल किट है, कृपया उसे मेरी पत्नी के मुंह पे लगा दो। दोनों पति पत्नी चिड़िया से विनती करते हैं। रानो को भी गौरी कवि की सूरत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसके चेहरे पर जादुई फेशियल लगाती है और गौरी का चेहरा एकदम ठीक हो जाता है। वाह, मेरा चेहरा ठीक हो गया। कालू देखो, मेरा चेहरा ठीक हो गया। चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गौरी कालू, उस दिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, शायद इसलिए ऊपर वाले ने आपको ऐसी सजा दी। अब दोबारा से किसी के साथ ऐसा कभी मत करना। चिड़िया की बात उन बुरे कौवों को समझ आ गई थी। वो उस दिन के बाद अच्छे और नेक दिल के पक्षी बन जाते हैं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के दो बेटे थे और एक छोटी बेटी गुड़िया। रानो का बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, इसलिए मम्मा चिड़िया ने उसे शहर के जंगल भेज दिया। एक दिन रानो चिड़िया के मोबाइल की घंटी बजती है। गुड़िया, माँ को फोन दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। भैया भैया, माँ और कुकू भैया खेत गए हैं, वो शाम को ही लौटेंगे, मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। गुड़िया, मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे 50,000 रुपए अभी चाहिए वरना मेरी नौकरी नहीं लगेगी, तुम माँ को बुला के लाओ। ऐसे कहकर ननुआ फोन काट देता है। गुड़िया तेज उड़ती हुई घर से निकलती है। माँ, जब ननुआ भैया नौकरी लग जाएंगे तो हम दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं क्या करेंगे? कुकू, मुझे बहुत दुख होता है तुझे अपने साथ काम करते देख। अगर तू भी पढ़ता लिखता तो तेरी भी नौकरी लगती, तू भी बड़ा होके अफसर बनता, ना कि ऐसे खेत में मेरे साथ काम करवाता। माँ, अच्छा ही तो है जो मैं पढ़ने के लिए दूर नहीं गया, वरना आप अकेली हम दोनों का खर्चा कैसे उठाती? अब तो मैं भी थोड़े पैसे कमा लेता हूँ। वो दोनों माँ बेटे इस तरह से बातें कर रहे थे, तभी गुड़िया भागी भागी उनके पास आती है। मम्मा मम्मा, ननुआ भैया का फोन आया था, वो कह रहे थे उनको नौकरी मिल गई है, इसलिए 50,000 रुपए चाहिए, वो भी बिल्कुल अभी। ये बात सुनकर कुकू खुशी से झूम जाता है, लेकिन मम्मा चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। माँ, क्या हुआ, आप तो इस पल का बेसब्री से इंतजार करती थी, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुकू बेटे, आज के आज 50,000 रुपए कहाँ से लाएंगे, घर में तो सिर्फ 5,000 हैं। माँ, कालू जमींदार से मांग लेते हैं, देखो वो यहीं बैठे हैं। कालू जमींदार अपने खेत में चारपाई पर बैठा हुआ था, तब रानो चिड़िया उसके पास आती है। कालू सेठ जी, मेरा बड़ा बेटा नौकरी लगने वाला है, उसने 50,000 रुपए मांगे हैं, अगर तुम हमें पैसे दे दो तो बड़ी कृपा होगी। देखो चिड़िया, वैसे तो मैं किसी मजदूर को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन तेरा बेटा नौकरी लगने वाला है,
तो दे देता हूँ, मगर 10% का ब्याज लगेगा। नहीं कालू सेठ जी, 10 का ब्याज तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगी, आप थोड़ा कम करें। नहीं नहीं, इससे कम नहीं होगा, लेना है तो लो वरना जाओ। मम्मा, हम कौन से ये रुपए ज्यादा समय तक रखने वाले हैं? भैया की नौकरी तो लग रही है, आप पैसे जल्दी ही लौटा देना। और इनके अलावा हमें इतने सारे पैसे कोई नहीं देगा। ज्यादा सोचो मत चिड़िया, कुकू एकदम ठीक बोल रहा है। फिर रानो चिड़िया कालू जमींदार से 50,000 रुपए ले लेती है और अपने बड़े बेटे के अकाउंट में भेज देती है। वो तीनों बहुत खुश थे। इस तरह से समय गुजरता गया। अब तो रानो चिड़िया को अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार रहने लगा था। चिड़िया, कब आएगा तेरा बेटा? पैसे लिए 2 महीने हो गए, कब लौटा रही हो? कालू जमींदार जी, जैसे ही मेरा बेटा वापस आएगा, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत दे दूंगी, चिंता ना करें। ऐसे बोल के चिड़िया अपने घर चली आती है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि चिड़िया का बड़ा बेटा ननुआ घर आ गया था और साथ में एक वदेसी चिड़िया भी लाया था, जो कि उसकी पत्नी थी। ननुआ बेटे, आपने शादी कर ली, एक बार अपनी माँ से भी नहीं पूछा? माँ, मैं जूली से बहुत प्यार करने लगा था, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और देखें, जूली कितनी सुंदर है, इसके जैसी चिड़िया पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ माँ, प्लीज गुस्सा ना करें, देखें जूली भाभी बहुत सुंदर है, हमारे जंगल में तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये कितनी गोरी है। फिर गुस्सा थूक कर मम्मा चिड़िया अपनी बहू को गले लगा लेती है। वो परिवार बहुत खुश रहने लगा था, सब जूली का बहुत ख्याल रखते। एक रोज चिड़िया अपने बड़े बेटे से बोलती है, बेटा कालू जमींदार के 50,000 रुपए उधार है और ब्याज भी काफी बन चुका है, तुम कितने पैसे जोड़ कर लाए हो? ये बात सुनकर ननुआ चौंक जाता है, उसकी पत्नी भी गुस्से में आ जाती है। माँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, शहर में खर्चा बहुत होता है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। बेटे, तुम पैसे नहीं दोगे तो कौन देगा? हम कालू जमींदार को क्या कहेंगे? हमने तुम्हारे लिए उनसे 50,000 रुपए लिए और हम कब से तुम्हारे इंतजार में बैठे थे, तुम पैसे लेकर कब आएंगे और कब हम उसका कर्ज चुकाएंगे? वो डेली आता था। माँ, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो पर मेरे भरोसे तो मत रहो, और मैं कल ही वापस शहर जा रहा हूँ, इस गाँव में मेरी पत्नी का मन नहीं लगता। बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? गुड़िया कुकू की शादी भी तो करनी है, अब ये घर तेरे ऊपर है, अगर तू ही चला जाएगा तो तेरे भाई बहन का क्या होगा, वो तुझसे छोटे हैं। इतनी जिम्मेदारियाँ, मेरे भी तो कल को बच्चे होंगे, नहीं मैं उनके लिए क्या जोड़ पाऊंगा। जूली जी, आप सामान बांध लो, हम आज ही शहर जा रहे हैं। पति जी, आप अपनी माँ से जगह का आधा हिस्सा ले लो, आप भी तो इस घर के बेटे हो, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना है अभी कर चलो। हाँ जूली जी, ये बात तो आपने एकदम ठीक कही, मैं अभी अपना हिस्सा बेच के पैसे लेता हूँ। फिर चिड़िया का बड़ा बेटा संदूक से कागजात निकालता है और आधी जगह कबूतर को बेचकर अपना हिस्सा ले जाता है। मम्मा चिड़िया तो गहरे सदमे में थी, उसे अंदर ही अंदर चिंता सताने लगी थी और वो बीमार हो जाती है। कालू जमींदार का कर्जा, घर का खर्चा, कुकु गुड़िया की शादी का खर्चा, मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा, मैं क्या करूं, कहां मर जाऊं? माँ, तुम चिंता ना किया करें, मैं हूँ ना, गुड़िया की शादी, कालू कौवे का कर्जा सब चुका दूंगा, मैं दिन रात खेतों में काम किया करूंगा, बस तुम रोया ना करो। ऐसे अपनी माँ को समझाकर कुकु खेत पर निकल जाता है। वो खूब काम करता मगर ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पाता। कौन खोल के सुन लो तुम सब, अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए तो ये घर खाली कर देना, आए बड़े नौकरी लगने, सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम जैसे भिखारी मजदूरों को पैसे ही नहीं देने चाहिए थे। ऐसे धमकी देकर कालू जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब तो बेचारा कुकु भी परेशान होने लगा था। एक शाम वो खेत पर बैठकर रोए जा रहा था, अगर अगर घर भी लुट गया तो हम रोड पे आ जाएंगे, बड़े भैया आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने बहुत बुरा किया। कुकु ऐसे रोए जा रहा था, तभी उसके सामने एक छोटा सा बैंगन का पेड़ था और कुकु से बोलता
रहा है। बच्चे आंसू पोंछ लो, मैंने सब सुन लिया, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम मेरे सारे बैंगन तोड़ लो और बाजार में बेचो, मैं हर दिन तुम्हें ताजा ताजा बैंगन दिया करूँगा और फिर तुम खूब पैसे कमाना। कुक्कू पेड़ को धन्यवाद करता है और ढेर सारे बैंगन तोड़ लेता है। वो बैंगनों से पूरी गाड़ी भर लेता है, मगर पेड़ के बैंगन खत्म ही नहीं हो रहे थे। फिर वो सारे बैंगन लेकर बाजार चला जाता है, उसकी कमाई अच्छी होती है। वो लगातार ऐसा ही करता, इस तरह से उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। वो कालू के पैसे भी दे देता है और गुड़िया की शादी भी एक अमीर पक्षी के साथ हो जाती है। एक दिन अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ जल्दी आओ, देखें ननुआ भाई और जूली भाभी आए हैं। अब क्यों आए हो यह देखने के लिए? हम भूखे तो नहीं मर रहे, चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कुक्कू कहो इनसे ये भाग जाएं। माँ मुझे माफ कर दो, कृपया घर में आने दो, मेरी नौकरी चली गई, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाता? नहीं अब तुम कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना हिस्सा तुम लेगे, अब ये घर कुक्कू का है, मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया घर का दरवाजा बंद कर लेती है और वो दोनों बाहर ही रह जाते हैं। चिड़िया का बड़ा बेटा अपने किए पर बहुत पछता रहा था, क्योंकि वो शहर जाने से पहले अपना आधा घर बेच चुका था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने माता पिता भाई बहन से प्यार करें,